विश करना है मीडिया आनंद जी को अपने अंदाज में। हाँ हाँ मैं आनंद भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं एंड एक चीज़ ज़रूर बोलूंगा कि आनंद भाई एक भाई हैं, एक फैमिली है हमारे एंड इनके साथ मज़ा आता है इनके साथ रह के एंड मैं बस और यही कह सकता हूं कि मेरी फैमिली है। मैं खाली ये कहना चाहूँगा कि बाबा ने बताया फैमिली है लेकिन बाबा यारों के यार, दैट्स पूरी इंडस्ट्री में वो यारों के यार के नाम से मशहूर है। थैंक यू। हाँ सर, ये साथ अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा रहा जी आपके लिए, आप सभी के लिए फिल्में आई। कैसे देखते हैं इस साल 2019 को, अब आपसे भी 2019 को कि 2020 को? 2019 को, क्योंकि अब ये साल होने वाला है, कैसे देखते हैं आप? कैसे देखते हैं? आंखों से देखते हैं। अच्छा, खास रहा ये साल आपके लिए, क्या कुछ कहना? हम लोग सब मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और बाकी हमारे प्यारे ऑडियंस के हाथ में रहता है, लेकिन हम लोग सब मेहनत करते हैं और मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबको पसंद आया कैरेक्टर। KGF पानीपत सबका इंटरव्यू नहीं है, ये आनंद जी का बर्थडे है तो लेट्स। थैंक यू। बहुत अच्छा है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आनंद सर, कुछ मेमोरी आपकी खासी जो आप शेयर करना चाहेंगे? आनंद जी के साथ आपकी मेमोरी क्या है वो बताएं। आनंद भाई कभी कभी डांट भी देते हैं लेकिन वो अच्छा लगता है प्यार से। बाबा इन दिनों जैसा कि आप भी देख रहे हैं देश का माहौल काफी गर्म है। भाई ये बाबा बाबा अरे भाई जी पर पूछा है बाबा को सेंटर में लो, ये थोड़ा सा क्रोप ऑफ कर रहा है इतना गड़ो को नहीं मिलता ऐसे ही बोलू करने स्ट्रेट खड़े हैं मैं बोलती हूँ एक बार वीडियो के लिए। सो वन फॉर द वीडियो आल्सो यू कैन जस्ट टर्न अराउंड वीडियो के लिए भी साथ में सब सामने देखिए बाबा सामने बाबा सर उसके बाद वीडियो के लिए बाबा।
वैसे तो हर साल पे इतना बड़ा जश्न नहीं करते, लेकिन इस टाइम लोगों ने बोला था कि मेरी पहले ही दिवाली पार्टी में हमेशा म्यूज़िक होता है, और अदरवाइज़ हर पार्टी में एक कोई थीम पर्टिकुलर होती नहीं है, और मैं म्यूज़िक का बहुत दीवाना हूँ। सो आज हमने सोचा कि बर्थडे पार्टी को कन्वर्ट करते हैं एक म्यूज़िक फिएस्टा में। सो काफ़ी मंजे हुए अपने बॉलीवुड के जो कलाकार हैं उन लोगों को यहाँ पर बुलाया है। नहीं, मैंने ये सोचा कि हर साल पे एक म्यूज़िक का ये महफिल लगाई जाए, और वो ऑलमोस्ट सुबह तक चले, और जिससे काफ़ी म्यूज़िक का लाइव इंटरेक्शन हो, और ये कोई फॉर्मल प्रोग्राम नहीं है, ये एक महफिल जैसा है, अनप्लग प्रोग्राम रहेगा। पहले तो हमारे पापा हैं, सो देयर इज एन अनडाइंग लव देयर। ऑल्सो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन और हार्ड वर्किंग पीपल दैट वी नो, वी बोथ नो, आई एम श्योर वी कैन से दैट। एंड सबसे जेन्युइन सोल है उनकी, देयर इज नो प्रिटेंस, ही इज एन ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड वी लव हिम, ही इज आवर पापा। सो We definitely want to keep Anand Pandit motion pictures going. You know, it's our dream as much as it is his backing. So definitely want to support Anand Pandit motion pictures. Exactly as she says, and we definitely believe that since we do want to take Anand Pandit motion pictures forward, we will do something, you know, in something. Definitely keep it going. Yeah. Keep it going, yeah. Yeah. Yes. Yeah. नहीं, बिल्कुल जैसे दोनों बच्चों ने बोला उस हिसाब से मेरा कोई प्रेशर नहीं है। मेरे रियल एस्टेट का बिज़नेस है और मेरा फिल्मों का बिज़नेस है, तो उन दोनों को इंटरेस्ट है फिल्म बिज़नेस में। सो दे विल बी टेकिंग द फॉर्मल एडुकेशन इन फिल्म मेकिंग, और डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे। एक ही है कि हार्डवर्क का कोई और दूसरा कोई चारा नहीं है। सो दे विल हैव टू पुट इन ऑलमोस्ट 18 आवर्स अ डे, और कोई पहचान कोई पुश पुल इसमें काम नहीं करता है। जैसा कि हमने पहले भी पूछा कि 2019 में आपकी ढेर सारी फिल्में आई हैं,
2020 में आप मानते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी बढ़ जाती है और कौन कौन सी फिल्मों का अनाउंसमेंट होगा अगर आप बता सकते हैं? मेरी 3 फिल्में हैं जो हमारा प्रोडक्शन है, एक बच्चन साहब और इमरान हाशमी जी के साथ में है, जो हमने चेहरे जो हमने अभी कंप्लीट किए, रूमी जाफरी जी ने उसको डायरेक्ट किया है। सेकंड अजय देवगन जी के साथ में हमने को प्रोड्यूस किया है, अभिषेक बच्चन है उसमें द बिग बुल करके, और तीसरी हम करीब 4-5 दिन में अनाउंस करेंगे, और वो भी बड़ी फिल्म है और वो भी कॉमेडी फिल्म है और हम फ्रेंचाइज बनाना चाहते हैं उसकी। हम सब जानते हैं बच्चन साहब बहुत ही प्रोफेशनल है, और मेरे लिए तो बच्चन साहब वही विजय है जो त्रिशूल और दीवार में रहा करते थे, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे लिए तो मानसिकता वही है कि वही एंग्री यंग मैन। और हकीकत में अभी हमारा लास्ट शेड्यूल था स्लोवाकिया में, और -14 डिग्री सेंटीग्रेड में बहुत सारा बर्फ था, उसमें भी बच्चन साहब ने हर मौके पे ये प्रूव किया कि आज भी वो नौजवान है। Thank you. और आप सब आए, खाना भी खाइए एंड एंजॉय, एंड प्लीज केक रखा हुआ है एंड एंजॉय। थैंक यू वेरी मच, शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए इसलिए थैंक यू सो मच। Thank you so much. मुझे बस यहाँ से बोला करो। हैप्पी बर्थडे एंड हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और चमकता रहे। हमेशा हर साल मैं आता रहूं और अटेंड करता रहूं, एंड मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ है, मुझे आई हैव कम टू नो जस्ट अ मिनट बिफोर, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सरप्राइज़।
आनंद जी ने एक डिफरेंट अंदाज में आज सिर्फ और सिर्फ सिंगर को बुलाया है यहाँ पर, तो कैसे देखते हैं आप इस बर्थडे पार्टी को और कितना एंजॉय करने वाले हैं आपकी तरफ से सुखी पार्टी? म्यूजिक कहीं पे भी प्ले हो, कहीं म्यूजिक कहीं पे भी प्ले हो, ऑटोमेटिकली गुड म्यूजिक जहाँ भी होता है तो रिलैक्सेशन मिलती है, एंटरटेनमेंट भी होता है। मैडम आपका कुछ सवाल था? बस थैंक यू। एक मेरा सवाल है क्योंकि पाजी यू नो इन दिनों पूरे देश में जो है सीए को लेकर Done, guys? How are you? Good, how are you? Please come. आपके अंदाज में एक wish then you say कि happy birthday. I just want to wish Anand ji a very, very, very happy birthday. He's such a wonderful person. May his day be great and the year even more more wonderful than he is. Thank you. Sir, यहाँ पे देखें ना एक बार. Sir, एक सर मैं. जन्मदिन है और मैं यही कहूँगा कि वो उनकी जिंदगी में हमेशा आनंद ही आनंद रहे। थैंक यू। मैं आनंद खान। क्या कहना चाहेंगे आज कैसे आपका कैसा बॉन्डिंग रहा है, क्या कुछ यादें हैं आनंद सर के साथ? आनंद को मैं कुछ आज 12-15 साल से जानता हूँ और हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, प्यार बहुत अच्छा है और जब भी मिलते हैं तो अच्छी लगन से मिलते हैं। सर अगर बात की जाए तो काफ़ी मिस किया है आपके फैंस ने, काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं कि राकेश सर कब खास लेकर आए। हाँ मैं जानता हूँ लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी बीच में, अब ठीक हो रही है, जैसे बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा शुरू करूँगा। राकेश सर अगर बात की जाए ऋतिक सर ने इस बार धमाका मचा दिया, हर तरफ बहुत प्यार दिया है ऑडियंस ने, क्या आप कितना प्राउड फील करते हैं ऋतिक पर इस साल को अगर देखा जाए तो? सिर्फ देखिए हर माँ बाप अपने बच्चे की कामयाबी पे खुश तो होते ही हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ, बच्चे खुश हों इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बस आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई विश हिम ग्रेट सक्सेस, ग्रेटर हाइट्स। सर इंतजार है क्रिश 3 का, सर कुछ इसके बारे में बताएं? क्रिश 4 का, क्रिश 3 बना चुका हूँ। क्रिश 4, सॉरी। हाँ बस मैंने वही कहा कि मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं थी बीच में, अब जरा ठीक हो रही है, जैसे ठीक हो जाएगी बिल्कुल शुरू करो। सर एक मेरा सवाल है सर, ये इन दिनों जो एनआरसी बिल एंड सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो ये सब बातें अभी यहाँ नहीं पूछ सकते, आप कैसे देखते हैं सर? थैंक यू सो मच। थैंक यू। ए सुनो मेरी बात। हेलो मैं यहां पे आज कौन सा डे है? पहले विजुअल आज कौन सा डे? वेट मैम मैं आनंद पंडित सर को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूँगी। आई एम सो ग्लैड टू नो समबडी लाइक हिम, ही इज़ गिविंग माई फर्स्ट ब्रेक इन बॉलीवुड, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट, ऑल थैंक्स टू हिम एंड या आई एम वेटिंग फॉर चेहरे। जी बिल्कुल, शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, 3 शेड्यूल रैप हो चुके हैं, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, इट्स कमिंग ऑन अप्रैल 24, 2020। वो तो आपको फिल्म देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ बता सकें कि कैसा रहा आपका एंड मिस्टर बच्चन का?
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. यू नो द एंटायर सेट इमरान के साथ मेरे बहुत सारे सीन्स हैं एंड बच्चन सर के साथ भी है. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर ऑल ऑफ यू ऑल टू सी दिस फिल्म एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. एंड ऑफ कोर्स ऑल थैंक्स टू आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स एंड आनंद पंडित सर बिकॉज आई गॉट दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ हिम. थैंक यू. ऐसे ही पहन के आ गए. रोमांटिक क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए सांता क्लॉस के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं है. आई विश हो क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है. आई थिंक आई डू अ सोलो ट्रिप. Hi, this is Crystal D'Souza and I want to wish everyone a very Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you so much. Thank you. Madam ji. कैसा रहा अनुभव और क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज आनंद सर का जन्मदिन है तो कितने एक्साइटेड हैं आप? वेल आनंद सर आज एक साल और यंग हो गए पहले से एंड आई एम सो हैप्पी उन्होंने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी जन्मदिन के लिए बुलाया. और ये जो आनंद पंडित म्यूज़िक फेस्टा है बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक और मनोरंजन और आई थिंक न्यू ईयर्स आते आते आई थिंक पार्टी शुरू हो गई है पार्टी सीजन. एंड आई विश आनंद सर ऑल द बेस्ट अ ग्रेट ग्रेट हैप्पी बर्थडे और पूरा साल म्यूज़िक हो मज़ा हो और खुशी हो उनकी ज़िंदगी में. वेल अब सत्यमेव जयते और मरजावा के बाद अब सत्यमेव जयते 2 शुरू हो रही है अगले साल बहुत जल्द. जॉन है उसमें, दिव्या खोसला कुमार है. आई थिंक पार्ट 1 से आपको डबल एक्शन मिलेगा, डबल डायलॉगबाजी मिलेगी, करप्शन को मुंहतोड़ जवाब एक और बार मिलेगा. जो स्लोगन है फिल्म का, तन मन धन से बढ़कर जन गण मन. सो बहुत ही पावरफुल एक्शन पिक्चर है. होपफुली ऑडियंसिस को 2 अक्टूबर गांधी जयंती 2020 को बहुत मजा आए. वेल इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक ट्वीट किया था कि यू नो के ना तानाशाही होनी चाहिए कानून की और सेम टाइम जो छात्र है प्रोटेस्टर्स है उनको भी पीसफुल रहना चाहिए. दोनों पक्षों को यू नो दे शुड नॉट बी वायलेंस, दे शुड बी अ पीसफुल. जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं उनको पीसफुली करना चाहिए और जो पुलिस है आई एम श्योर बहुत अच्छा काम कर रही है जहाँ वहाँ अच्छा काम करते रहना चाहिए. एंड दे शुड बी नो वायलेंस, दे शुड बी यू नो बातचीत से पीस से यू नो दिस यू कैन रीच अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग. माई आई जस्ट फील के यू नो दैट बोथ साइड्स दे शुड जस्ट प्रैक्टिस नॉन वायलेंस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं आनंद जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, जन्मदिन की शुभकामनाएं दूंगा उनके नए प्रोजेक्ट के लिए. बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छे दोस्त है, काफ़ी सालों से मैं उनको जानता हूँ और बहुत ही अच्छा उनसे रिलेशन है. तो मैं जन्मदिन की बधाई देने आया. थैंक यू. Done. Thank you. Sir, आपके राइट में. सर लेफ्ट में. नहीं खराब है.
आनंद पंडित जी का आज बर्थडे है और उनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। बस छाए हुए हैं बिल्डिंग के जरिए, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए सोशल वर्क, और सबसे प्यार करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, बस हम तो दुआ करेंगे कि वो जिस तरह छाए हैं छाते रहें। मेनी मेनी हैप्पी रिलेशंस ऑफ द डे। सर, बर्थडे बॉय को अगर एक गाने में अगर आप कुछ अपनी तरफ से अपने अंदाज में अगर कुछ विश करना चाहें गाने के अंदाज। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा पंडित जी हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि उनकी मंजिल है कहाँ। लेफ्ट लेफ्ट सेंटर सेंटर
दोनों भी यहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे सामने से Done?